हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग WB क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 23.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर एक को। सम्स नंबर वन है साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5, तो हम लोग को बोल रहा है होने से कॉसेक थीटा बाई 1+cot थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण, यानी यहाँ हम लोग समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया ए पी और ये सी। ठीक है, ये हम लोग का हो गया लंब, ये हम लोग का हो गया कर्ण, और ये हम लोग का है आधार। ठीक है, यानी यहाँ देखिए लंब दिया हुआ है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5, यानी लंब के जगह यहाँ पे लिखेंगे 4 और कर्ण के जगह यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, यानी हम लोग का आधार का मान हम लोग का यहाँ पे नहीं दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, सम्स में आधार को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार हम लोग निकालने से पहले हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, आधार निकालना है। ठीक, आधार निकालने का हम लोग फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इसके माथे पे रूट। ठीक है, यानी आधार के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC। ठीक है, और कर्ण के जगह पर हम लोग लिखेंगे AC। ठीक है, इसका ऊपर स्क्वायर होगा माइनस लंब के जगह पर लिखेंगे हम लोग AB का स्क्वायर इसके माथे में रूट। ठीक है, यानी यहाँ पे AC के जगह AC का मान यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो AC का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखिए कितना दिया हुआ है 5, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5, और AB का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर और इसके माथे में हो जाएगा वर्गमूल। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 25। 4 का स्क्वायर करना है, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 = 16, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 16। ये हो जाएगा माथे में वर्गमूल। 25 में 16 को माइनस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 का वर्गमूल होता है हमेशा, 9 का अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 3 × 3 = 9। ठीक है, ये हम लोग का आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, यानी हम लोग का जो आधार नहीं दिया हुआ था सम्स में, वो आधार का हम लोग का मान निकल गया है 3, यानी आधार के जगह पर हम लोग यहाँ पे अब क्या आएगा 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक सजा देते हैं, पहले लिख लेते हैं सबका। लंब का मान, लंब हम लोग का कितना है 4, आधार है 3 और कर्ण दिया हुआ है हम लोग का 5। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, यानी इसमें हम लोग क्या क्या दिख रहा है, कॉसेक थीटा दिख रहा है, एक कॉट थीटा दिख रहा है, यानी हम लोग कॉसेक थीटा का पहले मान निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा का मान होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। ठीक है, तो कर्ण हम लोग कितना यहाँ पे देखिए ड्राइंग में, कर्ण हम लोग यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 5। ठीक है, और लंब हम लोग कितना है 4, यानी यहाँ पे 4। उसके बाद अब हम लोग का यहाँ पे देखिए कॉसेक का वैल्यू निकल गया, अब यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, कॉट का। ठीक है, तो हम लोग कॉट का वैल्यू उसी तरह निकालेंगे, कॉट थीटा बराबर, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, यानी आधार हम लोग कितना यहाँ पे देखिए 3 और लंब कितना यहाँ पे 4। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन में सम्स पूछा था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सम्स जो है हम लोग उतारेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उतारते हैं कॉसेक थीटा 1+cot थीटा। ठीक है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है।
यहाँ देखिए कॉसेक यहाँ पे है, तो कॉसेक हम लोग यहाँ पे कितना वैल्यू निकला हुआ है, 5/4, यहाँ लिखेंगे 5/4, फिर डिवाइड का निशान, यहाँ पे डिवाइड का निशान देंगे, उसके बाद लंब यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस का प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे मान कितना आया हम लोग यहाँ पे 3/4, यहाँ देखिए 5/4 का 5/4 उतार रहे हैं, डिवाइड का डिवाइड, यहाँ देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, अब 4 से 4 कट जाएगा क्या बचेगा 3, यानी यहाँ पे 5/4 डिवाइड 4 में से 3 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7, डिवाइड बाई 4, 5/4 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, यानी 4 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, 4 से 4 कट जाएगा तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/7, ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर है, यदि 10 थीटा इजकल टू 3/4 हो तो दिखाओ कि 1 - sin θ / 1 + sin θ यू रूट में इजकल टू 1/2, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 10 थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 3/4, ठीक है, तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, ठीक है, यानी हम लोग का जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी ये सी, यानी यहाँ लंब ये आधार और ये कर्ण, ठीक है, तो लंब हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4, ठीक है, हमें निकालना है कर्ण, ठीक है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कर्ण निकालने का फॉर्मूला है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इसके ऊपर रूट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर्ण क्या है, हम लोग यहाँ पे देखिए ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी, और लंब है हम लोग का ए बी का स्क्वायर प्लस आधार है हम लोग का देखिए यहाँ पे बी सी, बी सी का स्क्वायर और ये वर्गमूल, तो ए बी हम लोग का क्या है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी है हम लोग का 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ठीक है, अब हम लोग समस में देखिए, समस में हम लोग पूछा गया है साइन थीटा, दोनों में ही हम लोग का क्या है साइन थीटा है, तो हम लोग को साइन थीटा का मान पहले निकालना होगा, यहाँ देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, यानी लंब हम लोग का क्या है यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे कर्ण निकल गया है 5, यानी कर्ण की जगह यहाँ पे क्या हो गया 5, तो लंब का साइन है, लंब का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब हम लोग का कितना यहाँ पे 3 और कर्ण कितना है हम लोग का 5, ठीक है, अब हम लोग जो सम्स है, ठीक है, इसका हम लोग का पीछे सम्स में क्या था, पिछले सम्स में सिर्फ ये दिया हुआ था, ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग का वैल्यू निकाल के ही दे दिया है, तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसे ही हम लोग को बनाना है और इससे बना के हम लोग को ये आंसर हम लोग को लाना होगा, ठीक है, जिससे ये हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्वेश्चन है हम लोग का, ये, तो इसको हम यहाँ उतारेंगे 1 - sin θ / 1 + sin θ रूट में, ठीक है, इसको हम लोग को बना के क्या लाना है कि आंसर क्या लाना होगा हम लोग को 1/2, ठीक है, तो इससे हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, तो हम लोग बनाते हैं इसको, 1 - sin θ है तो sin θ का देखिए हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल लिए हैं 3/5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3/5, फिर 1 प्लस, फिर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 3/5, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 5 5 1 जा 5,
और 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, मेन डिवाइड ये वाला, ठीक है। और इसको हम लोग फिर इसको हम लोग पूरा एलसीएम लेंगे, तो 5 5 1 5 प्लस 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, ये पूरे के साथ में वर्गमूल है। उसके बाद 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बाई 5, मेन डिवाइड ये है। उसके बाद 5 में से 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 5, ठीक है। उसके बाद 2 बाई 5 ये जो है डिवाइड में है, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, यानी 5 ऊपर और 8 नीचे, ये पूरे के साथ वर्गमूल है। तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी यहाँ पे आ गया 1 बाई 4 पूरे के माथे में वर्गमूल। ये जो वर्गमूल है इसके साथ भी है और ये वर्गमूल इसके साथ भी है, यानी 1 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। तो उसके बाद 1 का वर्गमूल करेंगे, अगर 1 का वर्गमूल करते हैं हम लोग तो 1 1 जा 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका 1, और 4 का वर्गमूल करेंगे हम लोग तो 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे 2 आएगा। ये हम लोग का हो गया प्रूफ। यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ। वन का 3 नंबर है, 10 थीटा इज इक्वल टू 1, होने से 8 sin थीटा + 5 cos थीटा / sin³ - 2 cos³ + 7 cos थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 10 थीटा का मान दिया हुआ है 1, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है हम लोग का लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, यानी ये हम लोग का हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। उसके बाद देखिए लंब है हम लोग यहाँ पे 1 और आधार भी है हम लोग का 1, ठीक है। यानी कर्ण हम लोग का क्या है गायब है, तो कर्ण हम लोग को क्या करना होगा निकालना होगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके माथे में होगा रूट, यानी लंब है हम लोग कर्ण हम लोग क्या हो जाएगा AC, लंब हो जाएगा हम लोग का AB प्लस आधार हो जाएगा हम लोग का BC। तो AB का हम लोग का वैल्यू हम लोग का कितना है यहाँ पे 1, BC का भी वैल्यू हम लोग कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 1 2 2, ठीक है। 2 का वर्गमूल हम लोग का नहीं होता है, इसीलिए हम लोग का यहीं पर रहने देंगे इसको। तो हम लोग का कर्ण कितना निकल गया √2, यानी कर्ण का वैल्यू यहाँ पे आ गया है कितना √2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सम्स में, देखिए सम्स में हम लोग किसका किसका मान निकालना है, साइन का और एक कॉस का, क्योंकि पूरे सवाल में साइन और कॉस ही दिख रहा है। देखिए यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हम लोग को क्या क्या निकालना होगा, साइन का और कॉस का मान निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब हम लोग कितना है यहाँ पे 1 और कर्ण है कितना √2, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा का भी मान निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा का भी मान होता है आधार बटा में कर्ण, यानी आधार हम लोग कितना यहाँ पे देखिए 1 और कर्ण कितना यहाँ पे √2, ठीक है। अब हम लोग को जो सम्स है इस पूरे सम्स को हम लोग यहाँ उतारेंगे नीचे, एट साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा / sin³ θ - 2 cos³θ + 7 cos θ, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे मान बिठाएंगे, 8 का 8 × sin θ, तो sin थीटा का यहाँ पे मान कितना है 1 बाई रूट टू प्लस फिर 5 × cos का है 1 बाई रूट टू
साइन का क्यू है, तो साइन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1/√2, ठीक है। और इसके माथे में 3 है, तो इसके पूरे के ऊपर में क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा है, तो कॉस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1/√2, ठीक है। इसके माथे में 3 है, तो इस पूरे के माथे में क्या करेंगे, 3 + 7 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे कितना है, मान कितना दिया है, 1/√2। उसके बाद इस 8 को इस 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 80 होगा। और यहाँ पे √2 का √2 + 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ नीचे में है √2। ये जो 1 है इसके साथ भी है, ये जो माथे में 3 है ये इसके साथ भी है, और ये इसके साथ भी है। तो यहाँ पे देखिए 1 के माथे में भी 3 और √2 के माथे में भी क्या होगा, 3, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई ये जो 3 है इसके साथ भी है, और ये 3 इसके साथ भी है, तो 1 के माथे में भी 3 होगा और √2 के माथे में भी 3, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और ये नीचे √2 का √2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जैसा है इसको इसी तरह रहने देते हैं, 8√2 + 5√2 डिवाइड 1 का क्यू करेंगे। अगर 1 का हम क्यू करते हैं तो 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। √2 के माथे में क्यू है, तो यानी √2 को हम लोग माथे में क्यू है यानी 3 है, यानी √2 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, ठीक है। यानी इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, सब रूट के अंदर है। जब भी कोई भी नंबर रूट के अंदर सेम टू सेम रहता है, सेम रहता है, तो वो एक क्या हो, उसमें से क्या होता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। और अंदर में सिर्फ बचेगा क्या, 2, ये रूट में बचेगा, ये क्या चला जाएगा, ये बाहर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हुआ, ये हम लोग का यहाँ पे आएगा 2√2, ठीक है। माइनस का माइनस, 2 का 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा, और √2 का क्यू है तो अभी हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 2√2 + 7√2, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ उतारते हैं, 8√2 + 5√2। यहाँ देखिए इसको हम ऐसे उतार देंगे, 2√2 माइनस, ये देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2 + 7√2। तो यहाँ देखिए ये जो ऊपर वाला जो ये नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे √2 आएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 8, √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5। अब ये नीचे देखिए, नीचे में भी देखिए, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे हम लोग एलसीएम में आ जाएगा 2√2, ठीक है। 2√2 से 2√2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1, माइनस √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अच्छा, √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 7 जा 14, ठीक है। अब हम लोग 8 में से 5 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 को 5 से 8 करेंगे तो आ जाएगा 13 डिवाइड बाई √2, मेन डिवाइड ये है, ठीक है। और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15, ये -2 का -2 और ये 2√2 का √2। उसके बाद 13√2 को ऐसे उतार लेंगे, मेन डिवाइड ये है, ठीक है। 15 में से 2 जाए और कितना बचेगा, 13, और ये 2√2, ठीक है। उसके बाद 13√2 जो मेन डिवाइड था यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, यानी ये 2√2 जाएगा ऊपर और ये 13 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इससे 13 से 13 कट जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2, ये हमारा हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर टू का वन नंबर है, कोसेक थीटा एवं टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। यानी कोसेक और टेन का जो भी वैल्यू आएगा, यानी जो भी मान निकलेगा, वो उसमें साइन थीटा का होना जरूरी है, ठीक है। तो हम देखो, ये निकालते हैं, कोसेक थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा का मान होता है, फॉर्मूला होता है वन बाई साइन थीटा, ठीक है। तो इस देखिए, इस फॉर्मूले में साइन थीटा ऑलरेडी आ चुका है। देखिए, हम कोसेक को किस में बदलना था, साइन में, और टेन को भी बदलना है साइन में, तो कोसेक हम लोग का साइन में बदल चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक है टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग ने अभी क्या कहा, कॉसेक को साइन में बदलना है। देखिए, यहाँ कॉसेक में साइन आ गया है, ठीक है, और यहाँ टेन का भी फॉर्मूला यहाँ बैठा दिए हैं, लेकिन टेन में यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ साइन भी आया है और यहाँ पे कॉस भी आया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ से साइन को रहने देना है, क्योंकि हम लोग साइन का मान लाना है और कॉसेक को यहाँ से हटाना है। क्या करना है, कॉसेक को यहाँ से हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का साइन यहाँ पे लिखेंगे, इसको रहने देंगे, और ये जो कॉसेक है, कॉसेक को यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो कॉस थीटा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ये जो होता है ये फॉर्मूला है कॉस का, ठीक है। तो कॉस का जो यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये रूट में, ठीक है। तो ये हम लोग का एक हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का टू है, कॉसेक थीटा एवं टेन थीटा को कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। यानी कॉसेक थीटा का जो भी मान निकलेगा उसमें कॉस थीटा होना चाहिए, और टेन थीटा का जो भी मान होगा उसमें भी कॉस थीटा होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखिए, कॉसेक का हम लोग निकालते हैं, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस वन बाई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो साइन आ गया, लेकिन हम लोग को किस में बदलना था, कॉस में। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो वन का वन बाई साइन के जगह पर हम लोग क्या फॉर्मूला बैठाएंगे, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है साइन का, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। और कॉसेक का हो गया, कॉसेक में साइन कॉस आ गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, टेन को भी करना है उसी तरह। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए, साइन भी आया है और कॉस भी आया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्वेश्चन में क्या था, इसमें सिर्फ कॉस को रहने देना है, कॉस के रूप में व्यक्त करना है, यानी सिर्फ कॉस को रहने देना है, साइन को यहाँ से क्या करना है, हटाना होगा। तो साइन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे, साइन का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, सेम फॉर्मूला यही है, ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो साइन का मान होता है वो हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वर्गमूल में, ठीक है, बाई ये कॉस थीटा, ये हो गया हम लोग का आंसर।